अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला देख चुके होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है अकाउंटिंग साइकिल। कि हमारे अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया था, किसी भी बिजनेस में नंबर वन ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन फिर जाती है जनरल वाउचर में। कंपनी अपने वाउचर्स बनाती है। नंबर तीन, जनरल वाउचर से वैल्यू जाती है जनरल में। जनरल से वैल्यू जाती है जनरल लेजर में। जनरल लेजर से वैल्यूज उठ के जाती हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से फिर बनता है फाइनल अकाउंट्स। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल है। ये क्या है आपका? अकाउंटिंग साइकिल। हमारे पास चूंकि टाइम की कमी होती है, इसलिए इससे पहले ही हमने ये ट्रांजैक्शंस वगैरह के नाम जो थे वो पहले ही हमने मेंशन कर दिए थे। तो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल बन जाता है। ट्रांजैक्शन जैसा कि आपको बताया था, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांजैक्शन होती है। वहां से फिर हम डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज निकालते हैं। ट्रांजैक्शन से जनरल वाउचर में जाएंगी वैल्यू, जनरल वाउचर से जनरल में आएंगी वैल्यू, जनरल से वैल्यू जनरल लेजर में जाएगी, जनरल लेजर से उठ के ट्रायल बैलेंस में जाएगी, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट्स बनेगा। वो फाइनल अकाउंट्स फिर आगे मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता चलूं, जनरल वाउचर जो होता है वो पांच किस्म का होता है। एक होता है कैश वाउचर, बैंक वाउचर, जेबी जनरल वाउचर, और एक होता है एक्सपेंस वाउचर, एक होता है इनकम वाउचर। किसी भी इदारे में, किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस एंटिटी में इन पांच वाउचर्स के अलावा और कोई वाउचर्स नहीं होते। कैश वाउचर कब बनता है? जब कैश पर चीजें ली और दी जाती हैं। बैंक वाउचर कब बनता है? जब बैंक से चीजें, बैंक के थ्रू चीजें परचेज की जाती हैं। जनरल वाउचर कब बनता है? जनरल वाउचर तब बनता है जब ना कैश इन्वॉल्व हो ना बैंक इन्वॉल्व हो, किसी चीजों की सेटलमेंट की जाए, एडजस्टमेंट की जाए, या चीजें क्रेडिट पर सेल की जाए, क्रेडिट पर परचेज की जाए, तब जेवी बनता है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका एक अलग वाउचर होता है, एक्सपेंस वाउचर, और जो इनकम होती है उसका एक अलग वाउचर होता है जिसका नाम है इनकम वाउचर। ये पांच किस्म के वाउचर्स बनते हैं आपके। जनरल वाउचर्स में आपकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जनरल लेजर में क्लासिफाई किया जाता है, यहाँ पे समराइज किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में। कैसे? हम कह सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लें, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। इन दो जगहों पर आपकी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। इन दो जगहों पर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। और फाइनल अकाउंट में इसे समराइज किया जाता है।
आप इसे साथ साथ नोट डाउन करें। ट्रांजेक्शन, जर्नल वाउचर, जर्नल जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये आपको साइकिल, पूरे का पूरा साइकिल आपको 110% जहनशीन होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन अगर कहां से उठी है, कहां पे जा रही है, इसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। ये अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको ये अकाउंटिंग साइकिल को जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। ठीक, उम्मीद है आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।